हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एवोगाड्रोस लॉ। दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। सो यू सी, दिस एवोगाड्रोस लॉ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ इन केमिस्ट्री, आफ्टर व्हिच द स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन केमिस्ट्री बिकेम वेरी इजी एंड ऑल द कैलकुलेशंस कैन बी कुड बी कन्वर्टेड इन टू क्वांटिटेटिव पर्पजेस नो। सो जब पहले केमिस्ट्री में जो रिएक्शन वगैरह होते थे, कैलकुलेशन होते थे, उनमें उसमें कितने वॉल्यूम था और उसमें वॉल्यूम का मास कितना था और उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ये जो सारे चीज इट वॉज समवहाट डिफिकल्ट टू नो अबाउट दैट नो। तो लेकिन आफ्टर दिस एवोगाड्रोस लॉ इट गेव ए वेरी कॉन्क्रीट एविडेंस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम, और उससे डिराइव होके ये भी पता चल गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ द गैस एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड दैट गैस एट ए एनटीपी और दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड कंडीशंस नो। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन केमिस्ट्री, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली नो। सो यू सी व्हाट इज द लॉ स्टेट्स, at standard temperature and pressure, normal temperature and pressure, equal volume of all the gases contains equal number of molecules, or at same temperature and pressure we can tell that equal volume of all the gases contains equal number of molecules। iska matlab kya hai, maan lijiye aap teen gas le rahe hain, ek hydrogen gas le rahe hain और एक नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट एवर इट इज, आप चार गैस लीजिए, पांच गैस लीजिए, कोई बात नहीं, बट द टेम्परेचर शुड बी प्रेशर शुड बी कॉन्स्टेंट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और सभी का वॉल्यूम एक होना चाहिए, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। अगर इसका एक लीटर वॉल्यूम है, उसका भी एक लीटर, सभी का एक लीटर वॉल्यूम है। अगर उनका एक लीटर वॉल्यूम होगा तो क्या होता है, उसमें द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल इन ईच ऑफ द गैसेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द रेस्पेक्टिव गैस इज गिवन बाय द एवोगाड्रोस नो। सो द लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इक्वल वॉल्यूम होगा तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे, है ना। ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है ना, तो ये जब लॉ आ गया ना, तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकेम वेरी इजी, और द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन केमिस्ट्री बिकेम वेरी इजी नो। सो अभी देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इसका एक ड्राइव फॉर्मूला, हम बाद में व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एवोगाड्रोस लॉ, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। मान लीजिए हम बता रहे हैं आपको, ये तीन गैस है, इसमें ये कंटेनर में O2 गैस, इसमें N2 गैस, इसमें CO2 गैस, और सभी का वॉल्यूम सेम है, 22.4 लीटर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ एवोगाड्रोस लॉ व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस CO2 गैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस, यानी ये तीनों में मॉलिक्यूल बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएंगे। और ये भी फाइंड आउट हुआ है, व्हाट इज दैट नंबर, दैट नंबर इज 6.023 × 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस विल बी प्रेजेंट इनसाइड दैट। Inside this 6.023 × 23 number of molecules of N2 gas will be there, and here also 6.023 × 23 number of molecules will be there. No, it is a derivation of this Avogadro's law. How it is derived, we will discuss just following this. पहले आप देखिए, अगर इस law को हम explain करते हैं, the law states that equal volume of all the gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. मान लीजिए H2+Cl2HCl है ना, H2+Cl2HCl at same temperature and pressure, if you are considering this is one volume, this is one volume, this is two volume, hai na, this is one volume, this is one volume, this is two volume, because here one volume, here one, here two. So by applying Avogadro's law we can write n molecules, one volume contains n molecules, the two volume contains two n molecules, is it clear? Agar one volume n molecules let hum maan lete hain, isme n molecules hai, तो इसमें भी n मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 हुआ, और इसमें कितना हो जाएगा, 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हो जाएगा ना। उसके बाद one molecule, two molecule of HCl, यानी one molecule of H2 plus one molecule of Cl2 gives two molecule of HCl,
फिर अगर हम उसको करेंगे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ एच टू प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ सी एल टू गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एच सी एल। तो हाफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को कैसे हाफ करेंगे, तो होता नहीं है। तो हाफ मॉलिक्यूल यहाँ टू एच टू मीन्स वन एटम प्लस वन एटम गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एच सी एल। सो इट इज क्लैरिफाइड दैट द मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एटम, है ना, और एटम को लेकर मॉलिक्यूल बना हुआ है और मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। समझ गए आप? तो क्या हो गया, अभी मॉलिक्यूल को हम देखें तो हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ टू एटम्स और क्लोरीन इज मेड अप ऑफ टू एटम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड अप ऑफ टू एटम, वन इज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वन इज फ्रॉम क्लोरीन। सो हियर वन थिंग केम आउट फ्रॉम दिस लॉ दैट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स बट एटम इज इंडिविजिबल व्हिच वाज पोस्टुलेटेड बाय द डाल्टन, इट आल्सो बिकेम प्रूव हियर। लेकिन अभी तो मॉडर्न थ्योरी में ऐसा नहीं है, एटम इज नॉट सो फार इंडिविजिबल, लेकिन जो उनका था डाल्टन थ्योरी था वो बोल रहे थे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और यहाँ वही प्रूफ हो गया। अभी देखिए एस टू था, हाइड्रोजन गैस था, यानी इसमें दो एटम्स थे, तो अभी हाफ एटम ए हाफ मॉलिक्यूल यानी वन एटम, हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन यानी वन एटम ऑफ क्लोरीन गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस। आप समझ गए? तो ये था एवोगाड्रोस लॉ। अगर हम उसको ऐसे देखें कैसे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर H2 है तो दो H H दो एटम है प्लस Cl Cl दो एटम है, और क्या हुआ ये H यहाँ Cl के साथ एक H एक Cl के साथ मिला HCl हुआ और ये एक H एक Cl के साथ मिला HCl हुआ, तो दो HCl हो गया। यहाँ 2H 2Cl कंबाइन इंडिविजुअली HCl HCl फॉर्म होता है, तो एक हाइड्रोजन प्लस एक क्लोरीन मिलकर क्या देता है, एक HCl मॉलिक्यूल देता है। आप समझ गए? तो एवोगाड्रोस लॉ का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कहता है, ना द इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। सो हम अभी डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। नंबर वन, इट इज सपोर्ट्स डाल्टन्स एटम की थ्योरी। नंबर टू, एक्सप्लेनेशन ऑफ गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। नंबर थ्री, डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंटरी गैसेस। नंबर फोर, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। नंबर फाइव, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड वेट ऑफ गैसेस। एंड नंबर सिक्स, दैट इज गैस एनालिसिस, है ना। तो इतने सारे इसका एप्लीकेशन से, तो वील डिस्कस वन बाय वन। पहले हम डिस्कस करते हैं, इट इज सपोर्ट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमने आपको सूचित कर दिया था जब पहला हमने एग्जाम्पल समझाया था। आप देखिए, मान लीजिए एक रिएक्शन हम बोल रहे हैं H2 plus Cl2 gives 2HCl, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, इफ एट एनटीपी अगर हम इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर ले लेंगे तो ये हुआ क्या, वन वॉल्यूम, दिस इज वन वॉल्यूम, दिस इज टू वॉल्यूम, वन वन टू। सो वन वॉल्यूम मीन्स क्या होगा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए एन नंबर मॉलिक्यूल्स, ये भी एन नंबर, तो ये कितना होगा, टू एन नंबर। तो अगर हम एन करेंगे, एन को डिवाइड कर देंगे, वन मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल, दिस इज टू मॉलिक्यूल, दिस इज टू मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, दिस इज टू मॉलिक्यूल, है ना। तो वन मॉलिक्यूल अगर हम इसको हाफ कर देंगे, हाफ मॉलिक्यूल हाफ मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं आप, दिस इज वन मॉलिक्यूल। सो हाफ मॉलिक्यूल मीन्स क्या है, यहाँ एच टू है, एच टू का हाफ मॉलिक्यूल मीन्स दैट इज वन एटम एंड दिस इज वन एटम ऑफ क्लोरीन, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, यानी वन हाइड्रोजन एटम प्लस वन Cl एटम गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी एलिमेंट एंड एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। उसके बाद क्या था, वो जो डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल क्लियरली कॉमन कॉन्सेप्ट दे दिया कि मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड बट एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम अभी रिएक्शन मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स किसको लेके बनाया हुआ है, बना हुआ है, दैट इट इज बाय एटम्स। तो आप समझ गए, तो इट गेव ए कॉन्क्रीट सपोर्ट टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी एलिमेंट। और मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटॉमिक थ्योरी मेड द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम। समझ गए,
The second application, explanation of Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Gay-Lussac's क्या था? Gay-Lussac's law of gaseous volumes क्या था? जब गैस रिएक्शन करते हैं अपने बीच में, तो क्या था? They are in a definite proportion or simple proportion. They are just reacting. No? आप देखिए, हमने एक example लिखा है 2H2+O2 gives 2H2O. That is experimentally it has been proved. अगर हम 8 NTP लेते हैं, तो by applying Avogadro's law we can write 2 volume of hydrogen plus 1 volume of oxygen is equal to 2 volume of water. है ना, इसमें कोई बुरा बात ही नहीं. तो 2 volume of oxygen, 2N molecules. This is 1N molecule. This is, we can write अगर 2 molecule, this is 1 molecule, this is 2 molecule. हम लिख सकते हैं. या 2N molecule, 1N molecule, 2N molecule, जैसे हमने आपको पहले बात किया था. Let 1 milliliter of each gas contains at equal temperature and pressure M molecule. Suppose, एक मिलीलीटर अगर हम गैस लेंगे एट इक्वल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मान लीजिए उसमें एन मॉलिक्यूल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर. एन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर बाय अप्लाइंग अबाउटर्स लॉ. सो 1 मॉलिक्यूल विल बी इज इक्वल टू 1 बाय एन मिलीलीटर. तो यहां कितना है? 2n मॉलिक्यूल्स है. तो 2n बाय एन, यहां हम 2n लिखते हैं. 2n मॉलिक्यूल्स, दिस इज 1n मॉलिक्यूल, दिस इज 2n मॉलिक्यूल, 2n मॉलिक्यूल. तो कितना हो गया? 2n molecules is equal to 2n by m milliliter. तो ये कितना हो जाएगा? 2n by m milliliter. This is n by m milliliter. This is 2n by m milliliter. आप समझ गए? ये हो गया 2n by m. This is n by m. This is 2n by m. अगर सभी में n by m हम भाग कर दे तो कितना हो जाएगा? 2:1:2. So this gives a simple ratio or definite ratio. This is proving the Gay-Lussac's law of gaseous volumes. हमने कैसे प्रूव किया? By the application of Avogadro's law. देखिए, 1 मिलीलीटर each gas contains at equal temperature pressure m molecules. हमने इसको लिया, समझ गए? अभी देखिए, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंटरी गैसेस. पहली बात है, व्हाट इज एलिमेंटरी गैस? सेकंड इज एटॉमिसिटी. एलिमेंटरी गैस मींस इट इज मेड अप ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ एटम, H2O2N2, दोस आर कॉल्ड एलिमेंटरी गैसेस. और एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. एन टू का उसमें कितना एटम है? नाइट्रोजन का 2 है, तो एन टू का एटॉमिसिटी कितना होगा? 2 होगा. एच टू का कितना होगा? 2 हाइड्रोजन एटम है तो उसका 2. ओ टू का कितना होगा? वही 2. तो हाउ वी आर डिटरमाइनिंग, और द अबाउटर्स लॉ सपोर्ट्स आर अबाउटर्स लॉ हेल्प्स टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ एनी गैस. वही आप देखिए, जो रिएक्शन हम लिए थे, अगर हम इसको ऐसे ही करते हैं, हम लेते हैं H2+Cl2 gives 2HCl, है ना? This is one volume, if at NTP. By applying Avogadro's law, हम क्या लिख सकते हैं? ये one volume, ये भी one volume, ये two volume. इसमें क्या होगा? मान लीजिए, m number of molecules, ये भी m number of molecules, ये कितना होगा? 2m number of molecules. समझ गए? यानी m molecules. ये भी m molecules, ये भी 2m molecules. यानी one molecule, टू मॉलिक्यूल. वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, अगर हम लेंगे इसको हाफ मॉलिक्यूल, इसको हाफ मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl. सो हाफ मॉलिक्यूल मींस क्या है? H2 का एक एटम है, H2 का वन एटम. हाफ मॉलिक्यूल्स मींस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 मींस वन एटम ऑफ H2. यही सब प्रूव होता है ना? तो क्या हो गया? हाफ मॉलिक्यूल H2. तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना होगा? टू एटम ऑफ H. समझ गए ना? तो ये हो गया कितना? इसका एटॉमिसिटी 2. सो द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2, व्हिच कुड बी डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस अवोगाड्रोस लॉ. रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी निकलने से पहले और जानने से पहले, वी शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट NTP. मान लीजिए हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस 1 लीटर ले रहे हैं एट NTP. 1 लीटर में उसका वजन जितना होगा डिवाइड भाई, यानी उसका मास जितना होगा डिवाइड भाई, हाइड्रोजन गैस भी 1 लीटर लेंगे और NTP में ही लेंगे, उसका मास जो होगा अगर हम डिवाइड कर देंगे,
दैट विल कम आउट एज वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए? सो हियर स्टैंडर्ड कौन सा है? हाइड्रोजन गैस. इट इज कंपेयर्ड विद द हाइड्रोजन गैस एंड इट्स मास इज टेकन एट एनटीपी ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ देखिए हमने वही लिखा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ एच टू गैस एट एनटीपी. तो बाय अप्लाइंग अवोगाड्रोस लॉ, यहाँ वॉल्यूम जो है नीचे भी वही वॉल्यूम है, तो मास ऑफ हम सर्टन वॉल्यूम अगर हम एन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिखा, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल सर्टन सेम वॉल्यूम, नीचे भी सेम वॉल्यूम ऊपर भी सेम वॉल्यूम, तो मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट एनटीपी, क्योंकि वॉल्यूम सेम होगा तो इक्वल नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे. भाई एप्लीकेशन सब अवोगाड्रोस लॉ, नीचे भी लिखे मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू गैस, अगर एन मॉलिक्यूल इधर है तो एक मॉलिक्यूल हम लिख सकते हैं, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एच टू, समझ गए? तो फिर हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डिवाइड बाय मास ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कितना एटम होता है, दो एटम होता है, समझ गए? तो हम इसको लिख सकते हैं वी डी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज इक्वल टू टू, क्योंकि एक एटम का हाइड्रोजन का मास कितना होता है, वन होता है, तो टू इंटू वन इज इक्वल टू टू. सो हियर वी कैन राइट टू इंटू वी डी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दैट इज मॉलिकुलर मास. That is molecular mass. आप समझ गए अभी? तो यहाँ मास ऑफ टू एटम ऑफ एच टू मीन्स वन एटम का मास कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, वन ग्राम होता है, तो टू इंटू वन इज इक्वल टू, हमने टू इंटू वी डी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास हमने लिख दिया. सो दिस रिलेशन इज कम आउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ अवोगाड्रोस लॉ. तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस, राइट? अब यहाँ देखिए रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड वेट ऑफ गैसेस, दिस इज समवट बेयरिंग इंपॉर्टेंस. देखिए वी नो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इंटू वेपर डेंसिटी, अभी हमने किया मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इंटू वेपर डेंसिटी, तो एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एम इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी, क्या था, मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस, मान लीजिए मास ऑफ वन लीटर हम गैस ले रखे हैं सर्टन वॉल्यूम एट एनटीपी, तो नीचे कितना होगा, मास ऑफ सेम वॉल्यूम यानी वन लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी हमने लिखा, तो सर्टन वॉल्यूम की जगह हमने लिख लिया वन लीटर, इधर वन लीटर, तो हमने क्या किया, ये पता है एक्सपेरिमेंटल, इट हैज बीन फाउंड आउट दैट मास ऑफ वन लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी इज इक्वल टू 0.0892 ग्राम, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट. एक लीटर अगर हाइड्रोजन लेंगे इनटू हाइड्रोजन गैस लेंगे एट एनटीपी, उसका मास कितना होगा, 0.0892 ग्राम होगा, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली. तो हमने यहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो एम इज इक्वल टू 2 इनटू मास ऑफ वन लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी, जो गैस हम ले रखे हैं एक लीटर होल डिवाइड बाई 0.0892, तो 2/0.0892 इज इक्वल 22.4, तो एम इज इक्वल 22.4 इंटू मास ऑफ वन लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी, तो हम इसको क्या लिखते हैं, एम इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी, यानी 22.4 लीटर गैस हम किसी को लेंगे एट एनटीपी, उसका मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के साथ बराबर हो जाएगा. आप समझ गए, जो हमने पहले फिगर बनाया था तीन गैस ले रखे थे सभी में 22.4 लीटर लिखे थे ना, तो दैट इज नाउ कमिंग इनटू प्रूफ. क्या है, अगर 22.4 लीटर ऑफ गैस हम एट एनटीपी लेंगे, जितने भी गैस ले 5, 6, 10, 15 कुछ भी लें, सभी में सभी का वजन कितना होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास के साथ समान होगा या बराबर होगा. इसका मतलब अगर हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं 22.4 लीटर एट एनटीपी, उसका मास कितना होगा, 32 ग्राम होगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन 32, समझ गए? तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, यानी किसी भी गैस अगर 22.4 लीटर लेते हैं एट एनटीपी लेते हैं, उसका वजन कितना हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास के साथ बराबर हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज गैस एनालिसिस, हाउ द अवोगाड्रोस लॉ इज अप्लाइड हियर. ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, अगर हम दो वॉल्यूम ओजन लेते हैं और उसको हीट करते हैं, तो तीन वॉल्यूम ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस निकलता है. तो बाय अप्लाइंग अवोगाड्रोस लॉ वी कैन राइट टू वॉल्यूम मीन्स 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजन गिव्स 3n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ये 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, सो 2n मॉलिक्यूल दिस इज 3n मॉलिक्यूल. अगर इस तरफ n को डिवाइड करें 2 मॉलिक्यूल्स, इधर भी तो 3 मॉलिक्यूल्स, अगर इधर 2 डिवाइड करें तो 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, समझ रहे हैं? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हमको मालूम क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 3/2 मींस
इंटू टू, क्योंकि एटमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टू, एटमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टू, तो एक मॉलिक्यूल कितना रहेगा, दो रहेगा, तो थ्री बाई टू इंटू टू इज इक्वल कितना, थ्री। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज इक्वल टू थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सर थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हमने एटम लिया ना, सो कितना हो गया ओ थ्री, ओजोन का कितना हो गया मॉलिक्यूल का ओ थ्री, बिकॉज तीन एटम है ना, ओ थ्री हो गया। समझ गए आप, ये बिल्कुल आसान है, आप इसको देखिए। तो हम बाय अप्लाइंग एवोगाड्रोस लॉ वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ ओजोन फ्रॉम दिस रिएक्शन, ठीक है। अभी मेरा विश्वास है आप बिल्कुल एवोगाड्रोस लॉ समझ गए एंड इट्स एप्लीकेशन भी आप समझ गए, ठीक है ना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं यार हमने बिल्कुल सीख लिया व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ एंड व्हाट इज एप्लीकेशन, तो आप जरूर ये क्लास को शेयर कीजिए, है ना, और ये वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। मैं हूँ आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड टीचर ईश्वर चंद्र नायक, ओके, थैंक यू।